राजेंद्र गुढ़ा ने खत्म किया लाल डायरी का सस्पेंस, खोल दिया अशोक गहलोत का बड़ा राज। द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में गुढ़ा ने खोला लाल डायरी का राज। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, जब जरूरत थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रसगुल्ला खिलाया और अब लात घूंसे खिलवाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजेंद्र गुढ़ा की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लाल डायरी को लेकर सस्पेंस बना दिया है। आम जनता से लेकर बड़े नेता भी जानना चाहते हैं कि जिस लाल डायरी की बात राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या है। विधानसभा में जब राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर दाखिल होना चाह रहे थे तो गेट पर ही रोक दिया गया। उसके बाद जैसे तैसे करके विधानसभा में दाखिल तो हो गए, लेकिन खूब हंगामा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारी सहयोगी नेहा जोशी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो जरा आप सुन लीजिए। एक तो वो दिन जब आप जीत कर पहला जो कदम है आपका विधानसभा में था, और एक आज का दिन, क्या महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने मुंह में रसगुल्ले दिए थे, मुंह में अपने हाथ से, आज मुख्यमंत्री जी ने घूंसे लाते की दिलवाई, टाइम बदल जाता है। और उस दिन हमारी जरूरत थी, आज हमारी जरूरत नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि जब वो पहले दिन विधानसभा में गए तो मुख्यमंत्री जी ने रसगुल्ले खिलाए, लेकिन अब लात घूंसे खिलवाए, टाइम बदल जाता है। एक समय तो वो था जब राजेंद्र गुढ़ा पायलट के साथ भी थे, लेकिन अब गुढ़ा अकेले ही रह गए हैं। इसके बाद लाल डायरी का गहरा राज भी राजेंद्र गुढ़ा ने खोला। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो लाल डायरी का राज आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब अब जेल में होते, अगर आप इतने ही ईमानदार हैं कि प्रदेश की महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं, तो आप लाल डायरी को आपने क्यों छुपाया, आप जनता के सामने क्यों नहीं लाया? देखिए, नहीं तो सारे लोग इस मामले के अंदर, आज भी वो डायरी बाहर आ गई तो क्या हो गया, छीन ले गए ना। आज मेरे से सारे लोगों ने मेरे ऊपर पढ़ के निकाल ले गए ना, कौन क्या कर लेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मामले के अंदर अपनी बात चाके भी है ना, सत्ता में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। एक मिनट में बर्खास्त कर दिया ना, क्या कहा था, एक मिनट में बर्खास्त कर दिया एक छोटी सी बात के लिए। बोलना ही तो चाह रहा था, एक छोटा सा, मेरे पास एक छोटी सी एक डायरी थी, सारे लोग मेरे ऊपर पड़ गए, ऊपर गिर गए, मेरे से छीन ले गए, लाते गुस्से किए, नीचे पटक लिया, 50 से ज़्यादा लोग दब गया था नीचे, सांस घुट गया था। ये वाह, राजेंद्र गुढ़ा ने स्पष्ट कहा कि लाल डायरी सामने लाने के बाद भी क्या हुआ, वो डायरी छीन ली गई। गुढ़ा के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि गहलोत सरकार के मंत्री विधायक सत्ता की ताकत दिखा रहे हैं, और तो जो भी तथ्य थे उनके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके पास थे, उन्हें खत्म करने की कोशिश की, जिसमें वे कामयाब भी हुए। राजेंद्र गुढ़ा अपने बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। कैटरीना कैफ के गालों की जैसी चिकनी सड़कों से लेकर सीता माता को दिए गए बयान की भी खूब चर्चा होती रहती है। जब इस बारे में सवाल किया गया तो बड़ा ही दिलचस्प बयान उन्होंने दिया, आप भी सुनिए राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कुछ कहा। ये तो बड़ा सीता माता, मैं माँ भवानी जगदम्बा का उपासक हूँ, माँ भवानी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सवदा नमस्ता दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक याद है, और माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती के रूप में माता और बहनों की पूजा करता हूँ। सीता माता मेरा आदर्श है, मैंने सीता माता का है, जब माँ का शब्द आने के बाद सारी चीज़ें गौण हो जाती है। मैं सीता माता की जो उनका रूप है, उसकी सुंदरता है, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था। मेरा रखने का तरीका कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो अलग बात है, मैं माता सीता सुंदर तो थी ही, उस जमाने के दो अद्भुत इंसान, उस युग के भगवान श्री राम और रावण, सीता माता बहुत सुंदर थी, राजा जनक की पुत्री थी, राजा दशरथ की पुत्र वधु थी, भगवान श्री राम की धर्म पत्नी थी, और इस माता इसके अंदर मैं तो उसको सुंदरता का बखान कर रहा था। रासवाल कैटरीना कैफ का मैंने कभी फिल्म भी नहीं देखी, और मैं इस मामले के अंदर आपको बता दूं कि शायद मैं अपनी कोई अपने मियां मिट्ठू वाली बात नहीं करता, लेकिन इस मामले में मेरे चेहरे के ऊपर, पार्टी पर नहीं, मेरे चेहरे पर जनता ने 3-3 बार विधानसभा में भेजा है। तो हमारे अंदर कोई पार्टी का वोट पड़ता है क्या, हमारे खुद का
मेरे करैक्टर के ऊपर, मेरी सच्चाई पर, मेरी ईमानदारी पर, इतनी पर वोट गिरते हैं। और इसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया, डराने की कोशिश की गई और सदन में शांत रहने के लिए भी कहा गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। गुढ़ा ने तो ये भी कहा कि जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ूंगा। गुढ़ा के इस बयान से सचिन पायलट के उस बयान की याद आ जाती है जब उन्होंने युवाओं के पैरों के छालों की कसम खाकर कहा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।